यहाँ पे जो मॉडल आप देख रहे हैं, इसका बनाने का हमारा मोटिव यह है कि एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं पे कुछ सर्किटरी लगा रखी है और वो एक सिक्योरिटी के लिए सर्किट बनाया गया है। अगर कोई वो सर्किट ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा सर्किट ब्रेक है या क्या है, उस वजह से हमें पावर सप्लाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने एक सर्किटरी बनाई है, अगर इस सर्किट को कोई ब्रेक करेगा, इस वायर को कोई कट करता है, तो हमारा क्या होगा, अलार्म बजने लगेगा। ये हमने पूरे अरेंजमेंट के साथ इसको बना रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पे कि यहां पे हमने एक वायर ज्वाइंट कर रखा है। अगर मैं इसके कनेक्शंस को यहां से लूज करता हूं, सॉरी, पावर सप्लाई ऑन करते हैं पहले। हमने यहां पे जब तक ये वायर आपस में शॉर्ट है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाता हूं ये एक अलार्म बजने लगेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो बीप का हमारा टाइमिंग है इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, उसको उसके लिए हमने यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, आप देख रहे होंगे कि हमारी टाइमिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने बीप का टाइमिंग इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने और बढ़ा सकते हैं इसको, हम इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कंपोनेंट का यूज किया गया है, दो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया स्विचिंग के लिए और एक आईसी यूज किया 4060 और एक पावर सप्लाई का सेक्शन यूज किया गया। बहुत ही सिंपल कंपोनेंट का यूज करके आप इसको बना सकते हैं और एक सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बंद कर दिया, ये हमारा अलार्म क्या हो गया, बंद हो गया है। इस किट को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट KitsGuru.com www.kitsguru.com से ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स इसके रखे हुए हैं। ये हमारा पीसीबी बोर्ड है, जिधर ये है, जिधर हम कंपोनेंट माउंट करते हैं वो मेरा टॉप लेयर है, जिधर हम सोल्डरिंग करते हैं उसको हम बॉटम लेयर बोलते हैं। जब आप किट हमारा परचेज करेंगे या आपने कर लिया होगा, तो उसमें एक पेपर मिलेगा जिसपे कौन सा कंपोनेंट हम कहाँ पे लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन या पीसीबी स्पेसिफिकेशन। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है, उसकी वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर डायोड लगा है डायोड कौन सा लगना है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगाना है, उस वैल्यू का कैपेसिटर लगना है, तो सारी डिटेल कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाएंगे वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट आप यहाँ पे लगे हुए हैं, किसका क्या काम है, उसको दिखाते हुए आपको। जैसे ये हमारा लगा हुआ है पावर कनेक्टर, पावर जैक बोलते हैं, सेम कंपोनेंट। अगला यहां पे लगा हुआ है, इसको भी पावर जैक बोलते हैं लेकिन पीसीबी माउंट ऐड कर देते हैं इसमें। ये हमारा है पीसीबी माउंट, ठीक है, हमने इसको यहां पे लगा दिया। दूसरे साइड में क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्विच, ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है 6 पिन का, देख सकते हैं 6 पिन लगा हुआ है। आप यहां पे स्विच लगाइए, दूसरे साइड में क्या करेंगे आप, इसकी सोल्डरिंग करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो यहां पे लगा हुआ है, वो है ब्रिज रेक्टिफायर। सेम ब्रिज रेक्टिफायर है जो हम लोगों ने 4 डायोड यूज करके बनाते थे, सेम वही है यहाँ पे भी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल बना हुआ है, नीचे निगेटिव, इधर और इधर एसी इनपुट का। हम भी जब ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते थे उसमें 4 पोलैरिटी मिलता था हमें, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और 2 AC इनपुट का। सेम यहाँ पे भी यही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो ये कंपोनेंट आप देख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव और 2 AC सिंबल बना हुआ है। पॉजिटिव पिन देख रहे होंगे, ये हमारा पॉजिटिव पिन है, जो सबसे बड़ा पिन होता है पॉजिटिव, यानी सिंबल के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सिंबल के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। लगाते समय ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं पोलैरिटी किधर है, ये हमारा पॉजिटिव पिन का पोलैरिटी है ये। तो जब इस कंपोनेंट को आप बोर्ड पे लगाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, ये ऐसे हमारा बोर्ड है, मैंने यहाँ पे कनेक्टर लगाया था, यहाँ मैंने स्विच लगाया था, इसके बाद मुझे लगाना है। तो पॉजिटिव किधर जा रहा है, उसके डायरेक्शन देखेंगे, तो ये देखिए पॉजिटिव का डायरेक्शन, ठीक है। जब आपने पॉजिटिव लगा दिया तो बाकी के 3 पिन ऑटोमेटिकली अपने जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव को सेलेक्ट करना होता है, पॉजिटिव लगाएंगे, बाकी 3 पिन अपने ऑटोमेटिक अपनी जगह पहुंच के, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा मैच कर रहा है दोनों का, और इसको क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे, और दूसरे साइड में क्या करेंगे आप, सोल्ड करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कैसे आप इस कंपोनेंट को लगाने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की चीज है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कैपेसिटर जो मैंने लगा रखा है, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये है एक कैपेसिटर यहाँ और यहाँ भी लगा हुआ है, यानी तीन कैपेसिटर टोटल लगे हुए हैं इस पर, एक यहाँ और एक यहाँ। ये कैपेसिटर मेरा इलेक्ट्रोलिटिक है और ये दोनों कैपेसिटर हमारे क्या हैं, सिरेमिक कैपेसिटर हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारा सिरेमिक है और ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर क्या होता है, जिसमें पोलैरिटी होती है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, और जिसमें पोलैरिटी नहीं होती है वो होता है सिरेमिक या पेपर कैपेसिटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक पिन बड़ा है एक पिन छोटा है, बड़ा पिन पॉजिटिव छोटा पिन क्या होता है निगेटिव। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिप बना हुआ है, यानी स्ट्रिप जिधर बना हुआ है वो उसके जस्ट नीचे वाला पिन क्या होता है निगेटिव। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रिप बना हुआ है, यानी ये हमारा स्ट्रिप है, यानी इधर क्या है निगेटिव और इधर क्या बना हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। यानी इस कैपेसिटर को कैसे लगाएंगे आप बोर्ड पे, अगर ये हमारा बोर्ड तो कैसे लगाएंगे आप इसको ऐसे, ठीक है, निगेटिव किधर रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है, ये है लगाने का पॉइंट इसका, निगेटिव अंदर की तरफ रहेगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, 7878 सीरीज का है, 05 है 06 है 09 है, जो भी रहते हैं सबके सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो सरफेस आपको दिखेंगे, ये ब्लैक और इधर मेटालिक सरफेस, ब्लैक सरफेस आप देख रहे हैं, ब्लैक सरफेस किधर है कैपेसिटर की तरफ है, तो लगाते समय आप ध्यान रखेंगे ऐसे लगाएंगे आप इसको। साथ ही साथ लगाने का मतलब क्या हुआ, पिन नंबर वन इसका इनपुट होता है, पिन नंबर दो ग्राउंड और पिन नंबर तीन हमारा आउटपुट। इनपुट पिन नंबर वन पे देंगे, दो नंबर ग्राउंड, तीन नंबर आउटपुट, तो 1 2 3 कैसे पहचानेंगे, जिधर लिखा हुआ फेस यानी ब्लैक सरफेस है उसको हम अपनी फेस की तरफ करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर वन, बीच में पिन नंबर टू और सबसे राइट में क्या होता है पिन नंबर थ्री, ठीक है, तो लगाएंगे। तो इसमें देखिए पिन नंबर वन हमारा ये है, पिन नंबर टू और सबसे किनारे मेरा क्या पड़ा हुआ है पिन नंबर थ्री, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे एलईडी के बारे में, एलईडी में देखिए हमारी पोलैरिटी, अगर हम एलईडी पोलैरिटी होती है तो हम कैसे पहचानते हैं, बड़ा पिन क्या होता है पॉजिटिव और छोटा पिन क्या होता है निगेटिव, अगर कोई पिन काट दे क्या पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा तरीका कैसे है हमें चेंज चेक करने का, अगर नया आप एलईडी लेके आते हैं इस तरह का सिंबल है पॉजिटिव बड़ा पिन छोटा पिन दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मली बड़ा पिन क्या होता है पॉजिटिव छोटा पिन क्या होता है निगेटिव, रेयरली कभी ऐसा गलती होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या पहचानने का, हम मल्टीमीटर लें, मल्टीमीटर के नॉब को हम डायोड पे सेट करें और फिर हम इसको यूज करें। जब हम प्रोब को लगाते हैं तो हमने एक पिन से एक प्रोब को लगा दिया, दूसरे पिन से दूसरे प्रोब को लगा दिया, अगर मेरा एलईडी ग्लो कर गया तो हम बताएंगे कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा पिन निगेटिव, अभी नहीं ग्लो कर रहा है फिर पलटते हैं इसको, हमने इस पे लगाया देखिए हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी जिस समय जिस पिन से मैंने रेड प्रोब लगाया है, ठीक है, तो रेड प्रोब हमारा पॉजिटिव है, यानी ये वाला पिन जिस पिन से मैंने रेड प्रोब लगाया है वो पिन भी मेरा क्या है पॉजिटिव, क्योंकि एलईडी मेरा फॉरवर्ड बायस में काम करता है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव लगेगा तभी ये काम करेगा, यानी ये पिन मेरा क्या हो गया पॉजिटिव। सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का, हमारी हर एलईडी में नीचे एक रिंग बना हो, जैसे ये एलईडी है राउंड राउंड में नीचे आते हैं तो एक थोड़ा सा उभरा हिस्सा होता है जिसको हम रिंग बोलते हैं एलईडी रिंग, तो एलईडी के नीचे रिंग बना होता है, रिंग जब आप टच करते हैं तो एक साइड आपको फ्लैट मिलता है, फ्लैट साइड हमारा क्या होता है निगेटिव, फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या होता है निगेटिव। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे इस एलईडी में ये है, इस एलईडी में ये इसका फ्लैट साइड है इधर, यानी इधर क्या है निगेटिव और इधर क्या है पॉजिटिव, इस एलईडी में इधर अंदर की तरफ इस तरफ निगेटिव है और इधर क्या है पॉजिटिव, इधर निगेटिव है और इधर क्या है पॉजिटिव, मैंने सिंपली फ्लैट साइड देख के मैंने आपको बता दिया कैसे आपको लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक CL100 के नाम से ट्रांजिस्टर है, जैसा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा नॉच टाइप बाहर निकला हुआ एक पॉइंट बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है पिन नंबर, ठीक है, तो ये तीन पिन का लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर बोर्ड पे जो मैंने लगा रखा है तो ये पॉइंट कहाँ पे है ये है, अगर मैं जूम कर रहा हूँ इसको आप देख सकते हैं इसको, तो ये यहाँ पे है, यानी इसको लगाते समय ध्यान रखेंगे कि ये वाला पिन हमारा किधर होना चाहिए इसकी तरफ। नीचे मैंने इसको लगाने के लिए बेस लगा दिया है, आप चाहे तो बेस लगा सकते हैं चाहे तो डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्ड कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजिस्टर आप ये देख सकते हैं BC547 स्विचिंग ट्रांजिस्टर मैंने लगाया है,
यहाँ पे इसमें फ्लैट साइड होता है और सेमी सर्किल होता है। यहाँ पे देखिए फ्लैट साइड इसका, ये टॉप जो मैं इस समय इंडिकेट कर रहा हूँ ये इसका फ्लैट साइड है, और सेमी सर्किल हिस्सा इधर पीछे की तरफ हमारा क्या है, सेमी सर्किल हिस्सा है। यानी अगर हम सीधे माउंट करते हैं तो फ्लैट साइड किधर होगा, इस आईसी की तरफ इसका फ्लैट साइड होगा, और पीछे क्या होगा, सेमी सर्किल हिस्सा होगा। तो हम ऐसे लगाएंगे कैपेसिटर, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप जैसे चाहें, आप चाहें तो ऐसे लगाना, चाहे ऐसे लगाएं, चाहे पोलैरिटी बदल के लगाना, चाहें पोलैरिटी बदल के लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आईसी, आईसी का नंबर हमारा है 4060 आईसी हमने ले रखा है, ये हमारी आईसी है 4060, 16 पिन की आईसी है। तो कैसे पहचानेंगे इसका पिन नंबर 1 कौन सा है, तो हम देखेंगे नॉच, जहां भी इसका नॉच बना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यू बनाते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और तब हम क्या करेंगे, 16 पिन की आईसी हमें इसमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो नॉच है वो यहाँ पे है, यानी नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 से यहाँ 1, 2, 8, 9, 2, 16 यहाँ पे है, यानी नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1। रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए आप जैसे चाहें वैसे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। नॉर्मली आपको बता दूं मैं, आईसी लगाने के लिए आप जो बेस यूज करेंगे, हमेशा आईसी को बेस यूज करेंगे लगाने से पहले, तो सबसे पहले आप बोर्ड पे बेस लगाएंगे और बेस को क्या करेंगे, आप सोल्ड करेंगे दूसरी साइड। हमने इधर बेस लगाया, दूसरी साइड बेस को क्या करूंगा, मैं सोल्ड करूंगा। रीजन क्या है, अगर मैं डायरेक्टली आईसी सोल्ड करता हूं तो मेरा आईसी खराब हो सकता है, इसलिए मैं आईसी सोल्ड नहीं करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट एक कंपोनेंट हमारा यहां पे लगा हुआ है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, 2 पिन पीछे हैं और 1 पिन कहाँ है, आगे। तो लगाते समय आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने का पॉइंट है, तो 2 पिन पीछे लगाएंगे और 1 पिन किधर लगा देंगे आप, आगे की तरफ, तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस लग जाएगा। ये मेटल केसिंग में है, आपके जो बॉक्स में जाएगा वो प्लास्टिक केसिंग में जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम वैल्यू मिलती है, वो आप लगा सकते हैं। ये हमारा कनेक्टर है, 2 पिन कनेक्टर जैसे नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, उसको लगा सकते हैं। ये जो यहाँ पे कंपोनेंट लगा है, ये हमारा पाइजो इलेक्ट्रिक बजर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जब कनेक्टर लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे रेड वायर इधर होना चाहिए, ब्लैक वायर इधर, क्योंकि मैं बजर जो हमने लगाया ये पाइजो बजर है, पाइजो बजर में हमारी पोलैरिटी होती है पॉजिटिव निगेटिव। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है प्लस का, इसके जस्ट नीचे वाला पिन क्या होता है, पॉजिटिव, देख रहे हैं यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ प्लस है, एक यहाँ पे है, और ये पिन क्या है, बड़ा है, दूसरा पिन क्या है, छोटा। तो रेड वायर को आप इससे जोड़ेंगे और ब्लैक वायर को क्या करेंगे, निगेटिव से जोड़ेंगे, तभी ये बजर काम करेगा, अदरवाइज ये बजर काम नहीं करेगा। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, और हमने एक वायर को सिंबल के फॉर्म में यहाँ पे ले रखा है, जब आप वायर ब्रेक करेंगे तभी ये बजर बजेगा, अदरवाइज बजर नहीं। इसमें पावर सप्लाई आ रहा है लेकिन मेरा वायर जुड़ा हुआ है, इसमें कोई बजर नहीं है, जैसे मैं इसको हटाता हूँ हमारा ये बजर शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम डिले आपको मिला है, इसको आप कम करना चाहते हैं तो इसको आप दूसरी तरफ कर दीजिए, ये देखिए, और मैं अब फिर से दिखाता हूँ इसको करके, ये मेरा वायर बंद है और मैंने इसको हटाया, ठीक है। तो जो टाइम गैप था वो भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप प्रॉपर सोल्डरिंग करते हैं, प्रॉपर सारे काम करते हैं, कनेक्शन सारे सही करते हैं, और जो भी कंपोनेंट लगे हैं वो उसी बैनर में लगा, जैसा आपको बताया गया, जैसा आपकी सीट पे दिया गया, देन ये प्रोजेक्ट 100% रन करता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।